किंग कोहली के शतक पर भारी पड़ा प्रिंस गिल का शतक। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने बेंगलोर को एक तरफा अंदाज में हराकर उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को खत्म कर दिया। मुकाबले की शुरुआत में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलोर की टीम ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। पूरे सीजन की तरह एक बार फिर से कप्तान फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली की जोड़ी ने पावर प्ले ओवरों का फायदा उठाते हुए 62 रन जोड़ लिए, लेकिन पावर प्ले के बाद राशिद खान और नूर अहमद की जोड़ी ने एक के बाद एक फाफ मैक्सवेल और नोवरोन को पवेलियन भेजकर गुजरात के मुकाबले में वापसी कराई, जिसके बाद विराट कोहली और माइकल ब्रेसवेल ने 29 गेंदों में 47 रनों की साझेदारी कर आरसीबी की पारी संभाली। इस साझेदारी के बाद एक बार फिर से आरसीबी ने एक के बाद एक ब्रेसवेल और फिर कार्तिक का विकेट गंवा दिया, लेकिन पिछले मैच के शतक में विराट कोहली ने एक चोट संभाले रखा और लगातार दूसरे मैच में शतक ठोक दिया। विराट कोहली की 101 रन और अनुज रावत की 23 रनों की नाबाद पारी की बदौलत आरसीबी की टीम ने इस अहम मुकाबले में निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट गंवाकर 197 रनों का टोटल हासिल किया। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे गुजरात टाइटंस की शुरुआत मिली जुली रही, जहां टीम ने अपने इनफॉर्म ओपनर रिद्धिमान साहा को सस्ते में गंवा दिया, लेकिन शुभमन गिल और विजय शंकर की जोड़ी ने पावर प्ले का फायदा उठाते हुए 50 रन जोड़ लिए। पावर प्ले के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना जारी रखते हुए 65 गेंदों में 123 रन की शतकीय साझेदारी निभाई और मुकाबले को एक तरफा बना दिया, लेकिन 35 गेंदों में 53 रनों की अर्धशतकीय पारी के बाद विजय शंकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने एक के बाद एक दाशन शानका और डेविड मिलर को आउट कर मुकाबले को अंतिम ओवर तक लेकर गए, जहां शुभमन गिल ने मैच 52 गेंदों में 104 रनों की नवाद शतकीय पारी खेलकर गुजरात को एक तरफा जीत दिलाई।